हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज टुडे। इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर आया है उसका जो नोटिफिकेशन है, काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो उसे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से डाउनलोड करना है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, उसमें हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ उसमें जो पोस्ट है उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। ओके, और ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितने भी आपके नए एस्पिरेंट हैं या फिर नए कॉम्पिटिटर हैं जो उत्तराखंड की तैयारी में आए हैं, तो उनको क्या क्या पढ़ना है इस फॉरेस्ट गार्ड के लिए। आप सभी को पता ही है 12th के बेस पे एग्जाम है, तो काफी स्टूडेंट इसको भरेंगे जो साइंस साइड से होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, यहां पर हम टाइप करेंगे आपका UKSSSC। ओके, जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये खुल चुका है। आप इस साइट में क्लिक मारेंगे तो क्लिक मारने के बाद देखिए आपका खुल चुका है साइट। और इस साइट में आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा गया है, ओके ध्यान से पढ़िए, वन विभाग में समूह ग के लिए, ठीक है। तो 1218 इसमें टोटल पद हैं, ये आप सभी को पता चल चुका है। और आगे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे तो आप जरूर देखें उसे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर दिया है और ये हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपका खुल चुका है एक्रोबैट रीडर में। अब देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है कि 21 मई को प्रकाशन हुआ है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 21 मई से ही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मई से होगी और जो अंतिम तिथि होगी वो आपका 4 जुलाई रखा गया है। और 4 जुलाई को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ई चालान का प्रिंट आउट कर सकते हैं। ई चालान ऐसा होता है कि आप चालान निकाल के बैंक से आपका बनवा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, परीक्षा शुल्क आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। और 6 जुलाई लास्ट होगा शुक्रवार को। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले 1218 में पद दिए गए हैं टोटल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका टोटल दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्त पद हैं वो दिए गए हैं 1218 टोटल। किसको कितने कितने मिले हैं, अगर मैं आप सामान्य के लोग हैं तो सामान्य के लोग देखें यहाँ पर आपका 623 हैं और बाकियों के लिए देखिए आपका 211, 74, 310। आप देख सकते हैं आप किसके उस पर आते हैं, आप आरक्षण वाले हैं या फिर आप जनरल हैं। ओके, और आगे देखिए यहाँ पर एक तरीके से लेवल 3 की वो रखी गई है, वेतन रखा गया है जो आपका 21,700 रुपये से आपका 69,000, ठीक है, 100 तक रखा गया है। और आगे हम एक और बात करना चाहेंगे, इसमें क्या है, आपकी डेट को बढ़ा दिया गया है, ये आपके 18 वर्ष से आपके 28 वर्ष कर दी गई है इसमें। ओके, डिस्प्ले में ब्लैक आ चुका है तो एक बार इसे सही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जो आपका आयु सीमा है वो बढ़ा दी गई है, आपका 18 वर्ष से आपका 28 वर्ष इसे कर दिया गया। एक और चीज़ का इसमें एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो रखी गई है एक तरीके से इंटरमीडिएट रखा गया, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपने कोई सी भी विश्वविद्यालय से आपने इंटरमीडिएट किया गया है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि बाहर के लोग इसे भर सकते हैं। देखिए जिसका उत्तराखंड में एक तरीके से सेवा कार्यालय योजना जो है आपका, ठीक है, सेवा कार्यालय योजना, उसमें अगर किसी का नाम पंजीकृत है तो वही इस फॉर्म को क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए हम आगे इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जो शारीरिक, ठीक है, अहर्ताएँ दी गई हैं, तो पुरुष का जो ऊंचाई है वो आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो महिला का ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और एक तरीके से जो पुरुष हैं उनके लिए क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, जैसा आप सभी को पता है पटवारी का जिसने एग्जाम दिया वो सभी को पता होगा 5 सेंटीमीटर क्या है मिनिमम है कि आपको छाती अपनी फुलानी पड़ेगी। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, पुरुष का भी दिया गया है और महिला का भी दिया गया है, कितनी उनकी हाइट होनी चाहिए। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक तरीके से जो आपका शारीरिक दक्षता जो परीक्षा ली जाएगी, ठीक है ना, तो 25 किलोमीटर की दौड़ है आपका और 10 किलोग्राम का इसमें वेट रखा जाएगा। महिला के लिए आपका 14 किलोमीटर की रेस है और 5 kg उनके उसमें एक तरीके से पीठ में क्या वजन रखा जाएगा। और पुरुष के लिए 4 घंटे का टाइम है और, ठीक है, महिला के लिए भी 4 घंटे का टाइम है। और आगे आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट आपका 5 मीटर है
और महिलाओं के लिए आपका 3.50 मीटर है, और लंबी कूद आपका 4 मीटर है। अगर आपको टोटल अगर एक तरीके से फीट में निकालना होगा तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 3 पॉइंट आपका सॉरी 3.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फीट में निकल जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं फीट में। ठीक है, अगर मैं लंबी कूद की बात करूँ तो ये आपका 12.8 के आसपास आएगा, तो 12.8 फीट। ओके, इतना तो हर कोई नॉर्मली कूद ही लेता है। इसके बाद बात करते हैं किसका, इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊंची कूद है अब। ठीक है, ऊंची कूद क्या है, 1.10, तो वैसे ही आपका 1.10 मल्टीप्लाई ऑफ 3.2 इतना करना है। अगर देखा जाए तो ये आपका 4.8 के आसपास ही आएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से लगा लीजिए मतलब 4 के आसपास आएगा, ध्यान दीजिए 4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं, मतलब 4 के आसपास आएगा इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये भी आप शायद कर लेंगे। और आगे अगर मैं बात करना चाहूँ, इसमें लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और इसमें भी ऋण काटा जाएगा, जैसा आप सभी को पता होगा। देखिए मैं नोटिफिकेशन को पूरा आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और जो एज देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2017 से देखी जाएगी कि 18 वर्ष उसमें होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने पूछा तो 2018 में नहीं आएगा, जब पहला नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से ही चलेगा। तो 1 जुलाई 2017 को अगर कोई 28 वर्ष का हो जाता है तो उसे जो 28 वर्ष के बाद तक होता है तो उसको क्या है, फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो उससे पहले 28 वर्ष से पहले होगा तो वो फॉर्म इसका भर सकता है। ठीक है, और एक तरीके से ध्यान दीजिए उसमें का क्या है, जो सेवा योजना कार्यालय है उसमें उसका पंजीकरण होना बहुत अनिवार्य है, इसलिए बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। इसमें आरक्षण दिया गया है 19%, 4% और 14%, ये आप सभी को पता है। महिलाओं के लिए 30%, तो आप ये नोटिफिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन की इसमें विधि भी समझाई गई है किस तरीके से आपको ऑनलाइन तरीके से भरना है। और इतना आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर फीस भी देखिए, आपकी पूरी फीस दी गई है, और जो अनारक्षित है वो 300 रुपये देंगे, और जो आपका OBC है वो 300, आपका जो अनुसूचित जाति है वो 150। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आप इसे आराम से जो नोटिफिकेशन है इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से काम की बात है, इसमें क्या क्या आएगा देखिए, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें एक तरीके से आप जिस सब्जेक्ट से इसको भरोगे, ओके, जिस सब्जेक्ट से भरोगे उसके उससे संबंधित इसके क्वेश्चन आएंगे। सपोज करो आप फिजिक्स से भर रहे हो, केमिस्ट्री से भर रहे हो, ओके, एग्री से भर रहे हो, तो जिससे भी आप भरोगे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से आपका उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा और आपका GS पढ़ना पड़ेगा। GS में पूरा वही जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर आप लूसेंट को फॉलो करते हैं तो लूसेंट को फॉलो करने के लिए वहां पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। खेल भी आपको पढ़ना है, खेल से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी है, और इसमें जो और चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तरीके से आप करंट इशूज़ पढ़ने हैं, एक तरीके से जितने भी करंट इशूज़ होते हैं, करंट अफेयर होता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंटरनेशनल जितनी भी आपकी एक तरीके से समाचार होते हैं, जितना भी इंटरनेशनल आपकी करंट अफेयर होंगी, वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, आप इंग्लिश इसमें पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में जैसे आपका सेंटेंस मेकिंग आप बनाने वाले क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, और एक तरीके से एंटीनम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं। आपको हिंदी में भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको सभी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एक तरीके से इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको समझाया, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना सीखिए और फिल इन द ब्लैंक्स बनना सीखिए। और हिंदी में भी आपको विशेष तरीके से, जैसा आप सभी को पता है कि हिंदी के आपके 20 प्रश्न इसमें क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जो आपका UKSSSC एग्ज़ाम करवाता है। तो इसमें आप सभी को पता है कुछ रचनाएं पूछ लेता है, कुछ आपसे एक तरीके से मुहावरे पूछ लेता है, एक तरीके से आपसे पर्यायवाची पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैथमेटिक्स के भी एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम आपके 5 भी आ सकते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पढ़ लीजिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें पुटअप हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखिए जो आपका पैटर्न है, एक तरीके से आप भी जानते हैं कि आप काफ़ी टाइम से अगर तैयारी कर रहे हैं और एनालिसिस करें तो एक परफेक्ट सिलेबस नहीं आता है कि मतलब यही क्वेश्चन इसमें आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश दिया हो पर इंग्लिश ना आए, ऐसा भी हो सकता है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखिए, हिंदी के तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्या पता आपने सपोज करें मुहावरे ना आए, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो आप पूरा अपने तरीके से एक तरीके से अपनी पढ़ाई रखिए, क्योंकि आप भी अगर UKSSSC की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा पेपर किस तरीके से आता है। जो थोड़ा अलग टाइप के
एक क्वेश्चन है हम डालना स्टार्ट करेंगे अभी अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत ईजिली। तो यही चीज़ आपको समझाना था। अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ चीज़ छूट जाती है, कभी कभी हमारे बोलने में कुछ चीज़ छूट जाती है, जैसे हम नहीं बोल पाते कभी हिंदी का हमने नहीं बताया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी नहीं आएगा। आपको कहीं पर क्वेरी होती है आप हमारे वहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, और आप सभी को मैंने इतना बता दिया है कि उत्तराखंड आएगा, जीएस आएगा, जीएस में आपका सीआई आएगा, करंट इशूज़, करंट अफेयर आएगा, एक तरीके से इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ होती हैं वो आएगा, इंग्लिश आएगा, इसमें हिंदी आ सकता है, मैथ्स और रीजनिंग भी आ सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है इसमें आएंगी, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द क्या है आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या आपने फिजिकल में विशेष ध्यान रखें। ओके, तो यही सब कहना था। कुछ अगर आपके पास क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, और आपको अगर कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो सारा क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो मैं आपका उपलब्ध कराऊं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये फॉरेस्ट गार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया था। ओके, थैंक यू एवरीवन।